Question number 41. In this question, an atom of hydrogen is excited by wavelength lambda equal to 975 angstrom. तो हम ऐसा करते हैं, पहले इस वेवलेंथ की एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, फिर ये पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन कौन से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, 2 में 3 में 4 में. सो लैम्डा को एनर्जी से रिलेट करें तो E इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 975 एंगस्ट्रॉम. ऑब्वियसली ये 1000 से कम है तो वैल्यू अप्रोक्स आती है 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर हाइड्रोजन एटम को 12.7 के अबाउट एनर्जी देंगे तो एक्साइटेड स्टेट 4 में होगा, इट मीन्स n इक्वल टू 4 में गया. और वहां से जब ये डी एक्साइटेड होकर आएगा तो n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में जंप करेगा, और 4 से 1 में जंप करने के जो नंबर ऑफ लाइंस होगी 4 × 3 / 2 दैट इज 6 विच इज गिवन ऑप्शन 3. तो थर्ड आंसर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 42, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियम गिवन है, इक्वेशन भी गिवन है, और रिलीज एनर्जी का आंसर देना है. तो रिलीज एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी. बट पर न्यूक्लियम गिवन है तो हमें मास नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. और रिमेंबर इक्वेशन में हाइड्रोजन भी यूज हुआ है, हाइड्रोजन सिंगल पार्टिकल है और उसकी बाइंडिंग एनर्जी जीरो होगी. तो लेफ्ट हैंड साइड पर 7 पार्टिकल हैं बट राइट हैंड साइड पर 8 पार्टिकल्स होंगे, हीलियम 4 एंड अगेन हीलियम 4, तो 8 पार्टिकल यूज होंगे. सो रिलीज एनर्जी फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी. फाइनल बाइंडिंग एनर्जी में 8 पार्टिकल्स हैं और ईच की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7.06. इनिशियल में 7 पार्टिकल लेंगे, हाइड्रोजन को एक्सक्लूड करना है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.6. एंड बाय सॉल्विंग इट वी गेट द रिजल्ट 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मॉड्यूल का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन नंबर 43, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, वही हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है, और इस पैटर्न का क्वेश्चन थर्ड टाइम आ रहा है लास्ट 5 ईयर में. एक्स आइसोटोप वाई में डी क्यू होता है, उनका प्रेजेंट रेशियो गिवन है 1:7. तो सैंपल की एज डिसाइड करनी है, यू नो दैट एक्स इज इक्वल टू वाई 1:7, और ये वाई भी कभी एक्स था. तो इसका मतलब इनिशियली एक्स का जो लेवल था 1+7 और अपॉन एक्स दैट इज 1:8:1, दैट मीन्स नंबर ऑफ हाफ लाइफ लैप्स 2^3 एन इक्वल टू 3, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड 3 हाफ लाइफ, और दिस इज द ऑप्शन 3. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. क्वेश्चन नंबर 44 में एक VI करेक्टरिस्टिक दी हुई है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस की, कुछ इस तरह से VI करेक्टरिस्टिक्स बनी हुई है. ये VI करेक्टरिस्टिक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में बनी है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा सोलर सेल के लिए VI करेक्टरिस्टिक्स बनती है. तो ऑप्शन 1, 2 ये दोनों सोलर सेल के लिए बात कर रहे हैं, तो इनमें से हमें कौन सा सेलेक्ट करना है उस पर अगर हम बात करें, इस एक्सिस पे हमने वोल्टेज लिया है, इस वोल्टेज की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए करंट की वैल्यू जीरो हो गई है, मतलब जो सोलर सेल का सर्किट होगा उसमें फ्लो होने वाली करंट जीरो है. अगर किसी सर्किट में करंट जीरो हो जाती है तो दैट सर्किट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, इसलिए इस अप्लाइड वोल्टेज को, इस ए पॉइंट को हम ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं, जबकि बी पॉइंट पर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है. और किसी सर्किट में जब मैक्सिमम करंट फ्लो होती है दैट सर्किट बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट, इसलिए इस बी पॉइंट को नाम दिया गया शॉर्ट सर्किट करंट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है कि बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है. इसमें ए पॉइंट लिखा है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, मतलब सेमीकंडक्टर किस में बना है, सिलिकॉन का बनता है, जर्मेनियम का बनता है, तो उनके लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू डिफरेंट आती है, तो ए इज राइट. फिर पोटेंशियल बैरियर डिपेंड करता है चार्ज कैरियर की डेंसिटी पर, चार्ज कैरियर जितने ज़्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल बैरियर वेरी करता है.
तो बी वाले पॉइंट में लिखा है अमाउंट ऑफ डॉपिंग, डॉपिंग जितनी हमने इम्प्योरिटी एटम मिलाया है उसके अकॉर्डिंग चार्ज कैरियर के नंबर चेंज होंगे, और नंबर चेंज होंगे तो पोटेंशियल बैरियर भी चेंज होगा, इसलिए बी वाला पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। सी बोलता है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर चार्ज कैरियर की डेंसिटी चेंज होती है, तो पोटेंशियल बैरियर टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। मतलब ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर पोटेंशियल बैरियर डिपेंड करता है। और ऑप्शंस की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन ये बोलता है कि तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल बैरियर डिपेंड करता है।